होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत खनन में पकड़े रात में 3 ट्रैक्टर। शाहपुर रेंज के भावसार वन चौकी क्षेत्र के जंगलों में रात के समय अवैध तरीके से रेत ट्रैक्टरों से निकालने की लगातार शिकायतें वन विभाग के बड़े अधिकारियों को मिल रही थी। वन विभाग के शाहपुर रेंजर संजय मालविया ने रात के समय दूसरे क्षेत्र के स्टाफ को लेकर, सूत्रों की जानकारी के अनुसार भावसा वन चौकी के कुछ स्टाफ ट्रैक्टर वालों से मिला हुआ था, इसलिए रेंजर ने बाहर का स्टाफ ले जाकर के रात 2 से 3 ट्रैक्टर पकड़कर भावसा वन चौकी में खड़ा किया है। रेंजर संजय मालवी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी DFO और SDO साहब को जानकारी दी गई है कि जंगल की नदियों की गड्ढों में गिनती करके वन विभाग लगाएगा जुर्माना। एक्चुअली उसमें 20 तारीख को मैंने खबर मिली थी जंगल में कहीं रेत छनी है, तो 20 तारीख की नाइट मैंने जाकर तो चेक किया तो पाया कि वास्तव में रेत छनी हुई थी और ये अनुमान लगा कि लेट नाइट में निकलेंगे। तो रात को करीब 1:30 बजे मैंने खबर मिली थी जंगल में ट्रैक्टर आएगा, वो भी मैं खबर मिली तो फिर 1:30 बजे उसकी टीम लेकर के पहुँचा तो करीब 2:15 बजे के आसपास वो जंगल में रेत लाके ट्रैक्टर को पकड़ लिया। 2 ट्रैक्टर के लिए खाली आए उनको शायद हमारी खबर लग गई होगी संभवतः कि रवि साहब आ गए हैं, तो हम बिना भरे वापस आ गए थे। तो हमने का प्रयास था उनसे जो पूछताछ के उन्होंने ये मोटा मोटी खबर दिया था कि सर आगे क्या करने की है, उनके केस बना दिए हैं तीनों लड़ाइयों के और उसका रास्ता की कार्रवाई कर की जाएगी। एस डी साहब का रास्ता क्या लगातार इसी प्रकार और ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी जाएगी अगर अवैध खनन चलता रहा। मेरा ख्याल है इस घटना से जो अवैध उत्खनन वाले हैं काफ़ी हतोत्साहित तो हुए होंगे, क्योंकि इस बार किस वजह से ट्रैक्टर वापस करना ज़रा मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से छूट पाता है। लेकिन फिर भी अगर और कोई घटनाएँ आती प्रकाश में तो किसी तरह की कार्रवाई की जाए। सर आपका नाम बताओ। संजय मान लीजिए।